नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय दिमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी की स्तुति तो किसी की निंदा हूं मैं, किसी की स्तुति तो किसी की निंदा हूं मैं, कुछ इस तरह से हर शख्स में जिंदा हूं मैं। दोस्त, आज मैं मार्केट में गया, मुझे एक व्यक्ति मिला जिसको आज से 15 साल पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया था। मुझसे मिलकर वो बहुत खुश हुआ। मुझे पूछता है कि सर आजकल आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा वही नेटवर्क मार्केटिंग। वो हैरान हो गया, कहता सर अभी भी चल रहा है, मैंने तो सोचा था कि बस कुछ दिन चलेगा बंद हो जाएगा। मैंने उससे कहा दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समंदर है, धूप कितनी भी तेज हो जाए समंदर कभी सूखा नहीं करते। दुनिया कुछ भी बोले यार, लोग इसको हल्के में लेते हैं। मैं कह मुझे एक बात बता कि आज से 15 साल पहले ये मौका मैंने भी तुझे दिया था, तूने ज्वाइन क्यों नहीं किया। उसने कहा कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मैंने क्या किया, ज्वाइन करने से पहले अपने कुछ दोस्तों को प्लान दिखाया। मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे कहते हैं ये भी कोई काम है, तुझे यही काम मिला था और कोई काम नहीं मिला। दोस्तों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने ज्वाइन नहीं किया। दोस्त, उस शख्स से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि लोगों की बातें सुनकर कहीं आप भी दिल पर मत ले लेना। कहते हैं जिसको सहना आ गया ना उसको रहना आ गया। जिस तरह देवता अमृत पी के बड़े होते हैं, दानव मदरा पी के बड़ा होता है, पेड़ पानी पी के बड़ा होता है, बच्चा माँ का दूध पी के बड़ा होता है, इंसान का भाग्य इंसान का पसीना पी के बड़ा होता है, उसी तरह एक नेटवर्कर लोगों की बातें सुन सुन के बड़ा होता है। कहते हैं जब जब ये जग हंसा है तब तब इंसान ने इतिहास रचा है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक मूर्तिकार था, उसने अपने जैसी 7 मूर्तियां बनाई, सेम कॉपी। 8वां वो खुद, एक ज्योतिष उसके पास आया, उसने कहा कि फलां दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। मूर्तिकार हंसने लगा, उसने कहा मौत को चकमा दे दूंगा। जो दिन ज्योतिष ने बताया था उस दिन के हिसाब से वह मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया, सांस रोक ली। यमदूत आए, हैरान हो गए कि यार यमराज ने बोला था कि एक को उठा के लाना है, ये तो 8 है, किसको लेके जाए। पहली बार यमदूत खाली हाथ वापिस गए। उस शख्स ने, उस मूर्तिकार ने मौत को भी आज चकमा दे दिया। यमराज ने पूछा क्या हुआ, यमदूत बोलने लगे प्रभु आपने बोला था कि वहां 1 है, वहां तो 8 हैं, किसको लेके आना है। यमराज समझ गए, उन्होंने एक युक्ति बताई कि ऐसे ऐसे करना पता चल जाएगा किसको लेके आना है। वो वापिस आए, ये वापिस मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। अब उसमें से एक यमदूत बोलने लगा क्या मूर्तिकार है यार, क्या मूर्तियां बनाई है। तुरंत दूसरा यमदूत बोलता है मूर्तिकार ऐसे होते हैं, खाक मूर्तिकार था ये। जैसे उसने उसकी बुराई करना शुरू करी वो मूर्तिकार की सांसें फूलने लग गई। यमदूत फिर बोला ऐसे थोड़ी बनाते हैं मूर्तियां, किसी का कान टेढ़ा किसी का नाक टेढ़ा। अब इस मूर्तिकार से बर्दाश्त नहीं हुआ और ये बोल उठा सिर्फ कमी ही निकालना जानते हो, एक बनाओ तो जाने। यमदूत ने बोला पकड़ यही असली है। दोस्त, वो मारा गया। अगर वो बर्दाश्त कर लेता तो दोबारा मौत को चकमा दे सकता था। कहते हैं निंदा से कभी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य जैसे दुर्लभ गुण को यही जन्म देती है।
कहते हैं जब तक जिंदा तब तक निंदा, जो मर जाई है तका कर ली है। इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि जब एक नेटवर्कर मार्केट में जाता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मजाक करते हैं, कुछ लोग उनकी बातों को दिल पे लेते हैं और काम छोड़ देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। मस्तराम बोले, मुर्दों से हमें भी कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओगे सुख पाओगे। यहां पे मर जाने का मतलब है अपने काम में अपने लक्ष्य के प्रति इतने सजग हो जाओ कि दूसरों की बातें सुनना, उनके ऊपर अमल करने का आपके पास समय ही ना बचे। बिजी हो जाओ अपने काम में। लोगों का काम है यार कहना, लोगों का काम है आपके रास्ते में पत्थर फेंकना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन पत्थरों से दीवारें खड़ी करनी है या पुल बनाने हैं। हर भौंकने वाले के ऊपर अगर आप पत्थर फेंकना शुरू करोगे तो आप समय पर कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। बर्दाश्त करना सीखो, आगे बढ़ो। लोहार के पास ऐरन होती है जिसके ऊपर वो लोहे को पीटता है। जब लोहार लोहे को गर्म करके ऐरन के ऊपर रखता है, लाल लोहे को देख के हथौड़े से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके ऊपर वार करता है। होता क्या है, हथौड़े से बर्दाश्त नहीं होता, ऐरन बर्दाश्त करती है। ऐरन जो बर्दाश्त करती है पूरी जिंदगी लोहार का साथ देती है, लेकिन हथौड़े आते रहते हैं और जाते रहते हैं क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। दोस्त, बर्दाश्त करना सीखिए, क्योंकि जिसको सहना आ गया उसको नेटवर्क मार्केटिंग में रहना आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।